हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सबका बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लेकर आए हैं वोकैबुलरी का एक सेगमेंट, वोकैबुलरी वाई निमोनिक्स। अब देखेंगे निमोनिक्स क्या होता है। एक्चुअली निमोनिक्स का मतलब होता है बच्चे कोई ऐसी चीज़ जो हमें किसी भी चीज़ को याद रखने में हेल्प करती है। तो हम एक यहाँ पर स्टोरी फ्रेमिंग करेंगे, कुछ लिंक बनाएंगे इससे, और हमारा मूल मंत्र क्या होगा कि इन शब्दों को हम याद कैसे रख पाएँ। क्योंकि बच्चे आप सभी को पता है ना, वोकैब सेशन में हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही होती है कि हम किस तरीके से वर्णों को याद रख पाएँ। तो आइए देखते हैं, बहुत आसान तरीका है, बहुत सारे तरीके होते हैं वोकैब को याद कराने का, और ये सबसे इजीएस्ट वे है। देखते हैं किस तरीके से हम इसमें बात करते हैं, ठीक है ना। तो पहला वर्ड देखेंगे बच्चे हम, क्या लिखा हुआ हमारा पहला वर्ड बच्चे, एसीडुअस। क्या लिखा हुआ है? एसीडुअस। यहाँ से देखिए क्या हम वर्ड निकालते हैं, हमारा वर्ड निकल के आएगा बच्चे, यहाँ से एक वर्ड निकल के आया हमारा एस। क्या निकल के आया बच्चे? एस। एस का मतलब आप सभी जानते हैं, एस मीन्स क्या होता है बच्चे? गधा। क्या होता है? गधा। और जो गधा होता है ना, ये सभी जानवरों में सबसे मेहनती होता है। क्या होता है? सबसे मेहनती होता है। तो एसीडुअस का मीनिंग क्या तैयार हो गया बच्चे? मेहनती। कितना आसान है याद रखना, एस गधा, गधा मीन्स कैसा हुआ? मेहनती। तो एसीडुअस मीन्स मेहनती। इसके देखो सिनोनिम्स क्या बोल सकते हैं हम इसको, इसको बोल सकते हैं हार्ड वर्किंग, हार्ड वर्किंग। और क्या बोल सकते हैं? पेंस टेकिंग बोल सकते हैं, शेडुलस बोल सकते हैं। देयर आर मैनी वर्ड्स, बट हमें मूल याद क्या रखना है बच्चे? एसीडुअस को लिंक किया हमने एस से, और एस का मतलब गधा, गधा कैसा होता है बच्चे? मेहनती होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट वर्ड देखेंगे, इसके बाद में हम नेक्स्ट वर्ड देखेंगे क्या लिखा हुआ हमारे सामने, ऑडेशियस। क्या लिखा हुआ है? ऑडेशियस। ओडेशियस को कैसे याद रख सकते हैं, इसकी कुछ कहानी बनाते हैं। देखो ओडेशियस, ओडेशियस से एक वर्ड बन जाता है बच्चे, यहाँ से हम एक वर्ड, एक नहीं एक्चुअली दो वर्ड बना सकते हैं। एक तो एक गाड़ी होती है, आप सभी ने देखा भाई सब, ओडी। कौन सी गाड़ी होती है? ओडी। अब ओडी गाड़ी में चलने के लिए इंसान को क्या करना पड़ेगा? बहुत ही बहादुरी दिखानी पड़ेगी, तभी तो जाकर आप ओडी गाड़ी खरीद पाएंगे। या आप ऐसे समझो, ऑडिशंस होते हैं, ऑडिशंस का मतलब जब लोग जाते हैं परफॉर्मेंस करते हैं, सभी के सामने स्टेज पर कुछ बोलना होता है, नाचना गाना होता है, तो आपको पता है वहाँ पर इंसान को बहुत ही क्या दिखानी चाहिए? बहादुरी। तो ऑडिशन, ऑडिशन, या फिर हम कैसे याद रख लेंगे, ऑडी गाड़ी में बैठना है तो क्या बनना पड़ेगा आपको? बनना पड़ेगा बच्चे बहादुर। बहादुर का मतलब बोल्ड, ठीक है ना, बोल्ड बनना पड़ेगा, ब्रेव बनना पड़ेगा, ठीक है ना, करेजियस बनना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हो गया बच्चे? बहादुर। क्या बनना पड़ेगा? बहादुर, ठीक है ना। हम याद रखेंगे कि किस तरीके से हम याद रखेंगे, ठीक है ना, कि अगर हमें क्या करना है बालक, बहादुर बनना पड़ेगा, ठीक। अगर हम ऑडी गाड़ी में बैठना चाहते हैं तो हमको बहादुर बनना पड़ेगा। तो दो वर्ड हो गए हमारे आसानी से, एसीडुअस, एस गधा, मेहनती, ठीक है ना। यहाँ से हमने देख लिया ऑडी गाड़ी में बैठना है तो हमें बहादुरी दिखानी पड़ेगी, ऑडिशन देखना है तो हमें बहादुरी दिखानी पड़ेगी। चलिए अब तीसरा वर्ड देखते हैं बच्चे, यहाँ क्या लिखा हुआ है? अडामेंट। अडामेंट ये हाईली फ्रिक्वेंसी वर्ड है, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, और ये सेगमेंट हर क्लास के लिए बहुत ही बेहतर होने वाली है। तो देखिए बच्चे क्या लिखा हुआ है, अडामेंट। अडामेंट से यहाँ से एक लिंक निकाली है, यहाँ से अडा, वो हर बात पे कैसा हो जाता है बच्चे? अड़ जाता है, ये अड्डा लिख गया है, अड़ा, ठीक है ना, इसको हटाइए, ठीक है ना। वो कैसा है बच्चे? हर बात पर अड़ा रहता है, अड़ा रहता है। यहाँ से आप अड़ियल क्या निकाल सकते हो भाई साहब? अड़ियल है। कैसा है? अड़ियल है। कोई आदमी बहुत ही अड़ाशियस है, यानी अड़ियल है तो जिद्दी है, अड़ियल है तो कैसा है बच्चे? वो जिद्दी है। तो इसका मीनिंग क्या हो गया बच्चे? जिद्दी है। तो देखो कितने आराम से हम बना पा रहे हैं, जिद्दी के लिए हम क्या बोलेंगे? स्टबर्न बोलते हैं जिद्दी को, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है बच्चे ये वर्ड क्या होता है, स्टबर्न। स्टबर्न मीन्स जिद्दी। तो हमारे तीन वर्ड देखो कितने आसानी से याद हो गए, इसी से कहते हैं बच्चे, इसे बोलते हैं, ठीक है ना, निमोनिक्स का कमाल। निमोनिक्स कितना आसान तरीका है, एसीडुअस, ठीक है ना, ऑडिशियस, अडामेंट, तीनों वर्ड हमने कर लिया। अब देखो हम थोड़े आगे चलते हैं, चलिए देखो आगे चलते हैं थोड़ा सा, नेक्स्ट वर्ड देखेंगे हम लोग। ऑडेशियस, अडामेंट हमारा हो गया है, ठीक है ना, चौथे वर्ड पर आ जाएंगे हम लोग। चौथा वर्ड हमारा क्या है बच्चे? चौथा वर्ड हमारा लिखा हुआ है पिथी। कितना आसान वर्ड है, देखो कितने आसानी से हम इसे याद रख सकते हैं। एक शराबी आदमी देखा आप सभी ने, अब उससे आप पूछोगे हाँ भाई पिथी, क्या बोलेंगे आप? हाँ भाई पिथी। क्या आंसर देता है, कैसे बोलेगा भाई साहब? थोड़ी सी पिथी। तो इसका मतलब क्या हो गया बच्चे?
थोड़ा सा। पिथी का मतलब क्या हो गया बच्चे? थोड़ा सा। क्या बोलते हैं इसे? ब्रीफ। ब्रीफ एक्सप्लेनेशन कैसी चाहिए हमें? ब्रीफली चाहिए, संक्षेप में चाहिए, छोटी सी, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या निकल के आया बच्चे? थोड़ा सा। अब देखो, अब भाई साहब शराबी आदमी था, उसने बताया थोड़ी सी पी थी, ठीक है ना। घर पहुंचा, घरवाली ने पूछा हाँ भाई थोड़ी सी पी थी, तो उसने बता दिया भाई थोड़ी सी। फिर क्या होगा? दे लाते हैं, दे घूसा। उसके बाद में फिर सुबह जब जागेगा तो उससे क्या पूछा जाएगा? भाई उतर ली? क्या बोलेंगे? उतरली। यहां से देखो अटरली वर्ड है, साउंड कुछ ऐसा नहीं आ रहा, उतरली। तो अटरली, अटरली मीन्स क्या होता? जब उतरेगी भाई साहब तो थोड़ी उतरेगी या पूरी? तो क्या बोलोगे सर? पूरी उतरेगी, पूरी। तो अटरली का मतलब क्या हो गया? कंप्लीट। अटरली का मतलब क्या हो गया बच्चे? कंप्लीट। तो हमने देख लिया यहां पर, ठीक है ना, एक वर्ड हमने देखा पी थी, थोड़ा सा, जब आदमी यही कहता है थोड़ी सी पी थी उसने। दूसरा, जब भाई साहब पिटता है उसके बाद में उतरती है तो कैसी? पूरी, कंप्लीट उतरती है उसकी, ठीक है ना। अब देखो थोड़ा आगे देखते हैं इस वर्ड को, ये क्या लिखा हुआ बच्चे? चार लैटिन, चार लैटिन। अब चार लैटिन को कैसे याद रखेंगे बच्चे? इसको आप लिंक बनाइए, चार लाते हैं, है? चार लैटिन को कैसे याद रखेंगे? चार लैटिन को याद रखने के लिए आप क्या लिंक बनाएंगे? चार लाते हैं, चार लाते हैं। तो देखिए चार लाते हैं भाई साहब, किसको मारते हैं? चार लाते हैं आप, जो व्यक्ति क्या करेगा, जो धोखा देगा, जो डिशीवर होगा, जो चीट होगा, उसको क्या बोलेंगे बच्चे? हम चार लाते हैं। तो इसका मीनिंग क्या तैयार हो गया हमारे पास बच्चे? चीट। अब एक वर्ड याद रखना बच्चे, यही चीट होता है, यही क्रिया है और यही नाउन होता, एक तरीके से एडजेक्टिव होता है, यही क्रिया है और यही एडजेक्टिव। चीट मीन्स क्या होता है बच्चे? धोखेबाज होता है। चीटर कोई वर्ड नहीं होता है, याद रखना, चीटर एक स्लैंग है। जैसे आपने देखा आंटी बोलते हैं लोग, तो आंटी कोई वर्ड नहीं है, आंट वर्ड होता है। एज लाइक वैसे ही बच्चे चीट जो होता है ना, वो क्या है? एक स्लैंग है, चीटर चीट वर्ड होता है। इसका मतलब क्या हुआ बच्चे? धोखेबाज, धोखेबाज। तो याद रख लिया ना भाई, चार लाते किसमें मारेंगे? चार्लेटिन, है ना, चार्लेटिन, यानी चार लाते, चार लाते किसको? धोखेबाज को। तो चार लैटिन का मीनिंग क्या निकल के आया? धोखेबाज, ठीक है। अब देखो इसके बाद में नेक्स्ट वर्ड क्या लिखा हुआ हमारा? मोरी वंड। क्या लिखा हुआ है? मोरी वंड। कैसे याद रखेंगे भाई साहब? जितने भी लोग गांव से निवास करते हैं वो सब जानते हैं बच्चे मोरी। मोरी क्या होती है? यानी जहां से पानी वगैरह निकलता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? नाली बोलते हैं, ठीक है ना। तो मोरी। और यहां पर दूसरा वर्ड क्या लिखा हुआ है बच्चे? बंद। क्या लिखा हुआ? बंद। इसको हम कैसे लिंक निकालेंगे? बंद। अब भैया किसी इंसान की मोरी बंद कर देंगे तो क्या होगा बच्चे? उसके घर में पूरे में नाली का पानी भर जाएगा। किसी की मोरी बंद कर दी, पूरा का पूरा पानी भर गया, तो उसका जो घर होगा वो कैसा हो जाएगा बच्चे? बहुत ही ज़्यादा प्रदूषित हो जाएगा। यानी कि इसका मीनिंग क्या निकल के आएगा बालक? तो हमने लिंक देख लिया पहले मोरी बंद, अब इसका मीनिंग क्या निकल के आएगा बच्चे? इसका मीनिंग निकल के आता है यानी कि अबाउट टू डाई। कोई चीज़ कैसी है बच्चे? अबाउट टू डाई, मरने की कगार पर है, डिक्लाइन है, बिल्कुल ख़त्म होने वाली है। या आप ऐसे समझ लो, ये हमारी एक नली होती है जिससे फूड पाइप जिसे बोलते हैं, ये भी मोरी की तरह काम करती है। खाने को कहाँ लेके जाती? पेट को। अगर किसी इंसान की ये मोरी बंद कर दें आप यहाँ से, तो क्या हो जाएगा? अबाउट टू डाई। चलिए, तो हमने यहाँ तक के वर्ड देख लिए हैं, अब हम आगे देखते हैं बच्चे, ठीक है ना। तो नेक्स्ट वर्ड देखेंगे हम लोग। चलिए, तो नेक्स्ट देखेंगे बच्चे क्या लिखा हुआ बच्चे? नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है? लैक्स। लैक्स, लैक्स का मतलब क्या हो गया बच्चे? कोई व्यक्ति बड़ाई क्या करता हो? रिलैक्स करता हो, रिलैक्स, आराम, रिलैक्स। तो जो इंसान भाई साहब रिलैक्स करते हैं ना, आराम करते हैं, वो कैसे होते हैं? वो होते हैं भाई साहब आलसी। कैसे होते हैं? आलसी। तो लैक्स का मतलब क्या हो गया? कोई इंसान कैसा है बच्चे? लेजी है। कैसा है? लेजी है, आलसी है। लैक्स, रिलैक्स, ऑल टाइम रिलैक्स, हर समय क्या करता है? रिलैक्स करता है। तो वो क्या है? लेजी है, आलसी है। तो आसानी से हमने इसका भी लिंक बना लिया बच्चे लैक्स रिलैक्स से, ठीक है ना। अब नेक्स्ट वर्ड देख लेंगे। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ बच्चे? एगोनी। नेक्स्ट वर्ड क्या लिखा हुआ है? एगोनी। एगोनी से आप यहाँ से वन वर्ड निकाल लेंगे बच्चे। क्या लिखा है? कैसा साउंड आ रहा है? अग्नि। कैसा आ रहा है? अग्नि। और भाई साहब अग्नि क्या करती है? इंसान को जला देती है, और जब जला देती है तो हमें क्या होता है? दर्द होता है, यानी हमको होता है बच्चे पेन। क्या होता है हमको? पेन, ठीक है ना। तो यानी कि क्या हो जाएगा बच्चे हमारा? ये देखो अग्नि लिख लीजिए, ठीक है ना। हम लिंक बना लेंगे इसके लिए, याद रखने के लिए हमने इसे अग्नि, ठीक है ना, एगोनी अग्नि,
एगोनी अग्नि, अग्नि का मतलब क्या करेगी, जला देगी, जलागी तो क्या होगा बच्चे, दर्द होगा यानी पेन होगा, तो एगोनी का मतलब क्या हो गया बच्चे, पेन हो गया यानी दर्द हो गया, क्या हो गया, दर्द हो गया। अब देखो ये क्या लिखा हुआ है, इन स्पीड, इन स्पीड कैसे याद रखेंगे, इन स्पीड को कैसे याद रखेंगे, इन स्पीड को याद रखेंगे आप इन स्पीड से, इंसिपिड इन स्पीड, इंसिपिड इन स्पीड, इन स्पीड, इन इन मीन्स क्या होता है बच्चे, मैं, और स्पीड याद रखने के लिए बता रहा हूँ बच्चे, स्पीड मीन्स क्या होता है, तेजी से, इन स्पीड। अब आप मान लीजिए आपके साथ में मैं यहाँ पर लेकर आया भाई साहब, ये गिलास रखा है, इसमें मैंने आपके लिए कुछ पीने वाला सामान भर के रख दिया है, और आपने क्या किया भाई साहब, इन स्पीड पूरी स्पीड में पी लिया, फिर मैंने आपसे पूछा भाई कैसा लगा, तो आप क्या बोलेंगे, अरे सर पता ही नहीं चला कुछ, यानी कुछ पता नहीं चला, क्यों नहीं पता चला भाई साहब, क्योंकि आपने स्पीड में पी लिया, स्पीड में पी लिया। तो इन स्पीड का मीनिंग क्या होता है बच्चे, इन स्पीड का मतलब होता है कोई चीज़ कैसी होनी चाहिए, टेस्टलेस, कैसी होनी चाहिए, टेस्टलेस है, पता ही नहीं चला, जब तेजी से कोई चीज़ पी लोगे तो पता ही नहीं चला, ठीक है ना। तो इन स्पीड, स्पीड में पियोगे पता नहीं चलेगा, आराम से सिप सिप करके पियेंगे मज़ा आ जाएगा भाई साहब। तो इन स्पीड मीन्स क्या होता है, तेजी से। तो आज बच्चे हम आप लोगों के लिए 10 वर्ड लेकर आए थे, एक बार हम क्विक रिवीजन करते हैं सभी वर्डों का, ठीक है ना, एक बार हम क्विक रिवीजन करते हैं, देखिए हमने क्या क्या आज जाना, कैसे कैसे लिंक बनाए हमने, ठीक है ना। चलिए सारे वर्डों को एक बार फिर से देख लेते हैं, आप कहानी अपनी याद रखेंगे। सर आपने क्या बताया था, आपने बताया सर ओडाशी, यानी कि नेक्स्ट वर्ड हमने क्या देखा था बच्चे, यानी एसीडुअस, एसीडुअस से हमने क्या कहानी बनाई थी, एस एस क्या होता है भाई सब, ठीक है ना, गधा होता है, कैसा होता है, बड़ा ही मेहनती इंसान होता है। ओडाशियस, ओडाशियस के लिए हमने क्या बनाया था, ऑडी गाड़ी में बैठना है, बहादुर बनना पड़ेगा, ऑडिशन देना है, बहादुर बनना पड़ेगा। ओडाशियस मीन्स क्या होता है, बोल्ड होता है। सर अडामेंट अड़ियल है, अडामेंट अड़ियल, अडा अड़ जाता है चीज़ पर, अड़ियल है, जिद्दी है, स्टबर्न है, बहुत बार आता है बच्चे, बहुत बार पूछा जाता है ये, ठीक है ना। तो नेक्स्ट देखेंगे बच्चे हम, नेक्स्ट वर्ड क्या हमने बनाया, ठीक है ना, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ हमारा, पीथी, पीथी तो हम कैसे याद किए थे बच्चे, पीथी क्या, पीथी तो आप भी क्या बोलेंगे, थोड़ी सी पीथी, पीथी का मतलब ब्रीफ, अटरली, अटरली, अटरली का मतलब क्या हो जाएगा बच्चे, ठीक है ना, अटरली, यानी कि हमने क्या देखा बच्चे, अटरली को कैसे याद रखेंगे हम, ठीक है ना, यहाँ से सर आपने याद रख लिया था उतरली है, फिर क्या देखा था, चलाटेन, चलाटेन भी कैसे याद रखेंगे बच्चे, चार लाते हैं, चार लाते हैं, चलाटेन को चार लाते हैं, चार लाते हैं किसे मारेंगे, धोखेबाज को मारेंगे, ठीक है ना। और देखिए आगे क्या देखा था आपने सर, आगे देखा था आपने मोरी बंद, क्या देखा था बच्चे, मोरी बंद, मोरी किसकी बंद करते हैं हम, मोरी बंद करते हैं जो लोग कैसे होते हैं, कमजोर होते हैं, वीक होते हैं, यानी मरने की कगार पे खड़े होते हैं। लेक्स, रिलैक्स, एगोनी, एगोनी का मीनिंग क्या देखा था आपने, एगोनी का मतलब अग्नि, अग्नि क्या करेगी भाई साहब, जला देगी। और इसके बाद में क्या देखा था हमने, इंसिपेड, इंसिपेड का मतलब क्या हो जाएगा बच्चे, इन स्पीड, इन स्पीड में पी रहे हो तो क्या हो जाएगा, आपको मरने की कंडीशन आ जाएगी। तो ठीक है बच्चे, आज का सेशन कैसा लगा आप सब लोग कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। पहला दिन था, पहली शुरुआत थी, रोज़ाना हम आपके लिए लेकर आएंगे, कभी नुमैक यानी निमोनिक्स से लेकर आएंगे बुक, तो कभी रूट वर्ड से लेकर आएंगे, और वादा है आप सभी को अंग्रेजी टिप्स पर लेकर आएंगे। ठीक है बच्चों, जय हिंद, ठीक है ना, आज की विदाई लेते हैं।